नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। और खबरों की ओर बढ़ते हैं। जेएससी पेपर लीक मामले में रांची पुलिस की एसआईटी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस मामले में एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमित और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई कागजातों के साथ साथ ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं। पेपर लीक कांड की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें 3 आईपीएस, कई डीएसपी सहित इंस्पेक्टर भी शामिल है। देखिए, जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बताया आपको कि दर्जनों लोग रडार पर है। विधानसभा के अवर सचिव सहित 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उसके दो बेटों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी की छापेमारी में एडमिट कार्ड सहित ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। मामले की जांच को लेकर 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। 3 आईपीएस, कई डीएसपी सहित इंस्पेक्टर भी टीम में शामिल है। तो ये एक बड़ी कामयाबी जो है वो एसआईटी को मिली है जेएसएससी पेपर लीक कांड को लेकर। तो एसआईटी को ये बड़ी कामयाबी जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर मिली है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं। तो सीधा आपका रुख करते हैं अजय। देखिए, जेएसएससी पेपर लीक का मामला जो है वो अलग ही जो है पकड़ता जा रहा है और इसमें नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। और आज जो है इसी मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है 3 लोगों की। आपको बता दें कि जितने छात्र है वो अलग ही आक्रोशित है, क्योंकि पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के एग्जाम्स पर भी असर पड़ रहे हैं। और इधर देखिए कि पेपर लीक मामले में रांची पुलिस की एसआईटी ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उसके दो बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ पूरा जो है जानकारी इस पे निकल कर आ रहा है सामने, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ जाए? देखिए अनुष्का, झारखंड एसआईटी की टीम जो जेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच कर रही है वो बिल्कुल सही निशाने पर जा रहा है। सबसे बड़ा नाम, 3-4 ऐसे नाम है जो अभी आने वाले दिनों में एसआईटी की गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने उन लोगों पर अपना रडार बना रखा है और कभी भी इन सब की गिरफ्तारी हो सकती है। आज जो सबसे चौंकाने वाला नाम है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि जिस जगह पर कानून बनते हैं झारखंड विधानसभा, उसका अवर सचिव ऐसे मामलों में संलिप्त होगा, उसके बेटे इस मामले में संलिप्त होंगे। आपको जानकारी होगी अनुष्का कि न्यूज 11 पहले दिन से यह कह रहा है कि इस मामले में अभ्यर्थियों से ब्लैंक चेक लिए गए थे बंधक के रूप में, कि यदि वो पैसा नहीं दे पाए परीक्षा पास करने के बाद तो वो ब्लैंक चेक के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थियों के परिजनों पर शिकंजा कस सके। आज की गिरफ्तारी में मोहम्मद शमीम जो अवर सचिव है झारखंड विधानसभा के, उनके घर से ब्लैंक चेक मिले हैं। हो सकता है अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जो मैट्रिक से लेके स्नातक तक का है, जो बंधक के रूप में लिए गए थे अभ्यर्थियों से, वह भी हो सकता है बरामद हो। झारखंड एसआईटी की टीम को बधाई दी जानी चाहिए कि उनकी जांच सही दिशा में आगे जा रही है। कई प्रकार के शक उत्पन्न हुए थे कि हो सकता है एसआईटी जांच करने में सक्षम ना हो, लेकिन जिस प्रकार से एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, आगे बढ़ रही है, उनको बधाई दी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब भी बड़ी मछली पुलिस की गिरफ्त से दूर है, एसआईटी की गिरफ्त से दूर है। जो जानकारी है न्यूज 11 के पास कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग एसआईटी के रडार पर हैं, ऐसे लोगों की भी कुंडली एसआईटी की टीम खंगाल रही है। और मुझे लगता है कि इस मामले में जल्द ही कई अन्य बड़े खुलासे होंगे।
एक जो और बड़ा नाम है जेएसएससी के कार्यालय के भीतर का बड़ा नाम, उस नाम पर भी एसआईटी की टीम को लगभग 90% डाउट है कि उस व्यक्ति की संलिप्तता इस मामले में जरूर होगी। उस व्यक्ति को भी एसआईटी की टीम अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने की कोशिश में है। हो सकता है कि आज रात या कल सुबह तक ये जानकारी मिल जाए कि जेएसएससी में एक बड़े व्यक्ति का एक बड़ा संरक्षक, मैं नाम थोड़ा इसलिए नहीं ले पा रहा हूं अभी क्योंकि और पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन 80% एसआईटी को आशंका है कि उस व्यक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है ये पेपर लीक मामले में। तो पूरा मामला अब भी मुझे लगता है कि एसआईटी की टीम जिस प्रकार से जांच कर रही है, जिस प्रकार से उसकी टीम लगातार आगे बढ़ रही है, कई लोगों को गिरफ्त में उसने लिया है, कई अन्य नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि झारखंड विधानसभा का अवर सचिव इस मामले में संलिप्त होगा। उन्होंने अपने दोनों बेटे को भी इस रैकेट में शामिल कर रखा था, कैंडिडेट से मिलना, उनके सर्टिफिकेट लेना, ब्लैंक चेक लेना, नगद राशि लेना। तो मुझे लगता कि तमाम चीजें भी आने वाले दिनों में पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और कोडरमा का एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक से लगभग 15 अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे। रैकेट ने कोशिश ये की थी पूरे मामले में कि बिहार से सटे जिलों के अभ्यर्थियों को ज्यादा टारगेट किया जाए ताकि उन्हें गया पटना ले जाने में सुविधा हो। कोडरमा के एक ब्लॉक में 15 अभ्यर्थियों ने एक साथ परीक्षा दी थी और आश्चर्य वाली बात यह कि तमाम अभ्यर्थियों को इस रैकेट ने अपने संपर्क सूत्र से साधने की कोशिश की थी। उनके संपर्क में ये लोग आए थे, 23 लाख रुपया देने की बात हुई थी। हालांकि ये सब जानकारी अब पुरानी हो गई है कि कितने रुपये दिए गए, कितने में खेल होना था, लेकिन जो अभी प्रारंभिक जानकारी है कि कोडरमा हजारीबाग के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे और उन सब के सब रैकेट से उन सबके संपर्क थे। 18-28 लाख रुपया देने की बात थी, ब्लैंक चेक, जैसा कि न्यूज 11 पहले से कह रहा है कि ब्लैंक चेक लिए गए उन लोगों से, 4-4 ब्लैंक चेक, साथ में सर्टिफिकेट लिए गए। तो एसआईटी की टीम को बधाई दी जानी चाहिए कि यह टीम ऐसे ही यदि जांच करेगी तो वो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाएगी जिसने पूरे प्रपंच को रचा था। और एक टीम चेन्नई में भी है जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी परीक्षा लेने वाली एजेंसी, मुझे लगता है कि शिकंजा कसता जा रहा है। ये तमाम लोग होटवार जाने के रास्ते में होंगे और जल्द ही इनका नया ठिकाना होटवार जेल होगा। अनुष्का, बिल्कुल आ जाए। देखिए जिस तरीके से जांच टीम अपना गठित कर, टीम गठित कर रहा, जिस तरीके से जांच हो रही है इस मामले को लेकर, बहुत ही बधाई देने के बात है एसआईटी की टीम। और इस जांच टीम की अगर बात करें तो इसमें 3 IPS, कई DSP सहित इंस्पेक्टर शामिल है। और बिल्कुल इसी वजह से जो है लगातार जल्दी जो है ये सारे मामले के खुलासे हो रहे हैं, कौन और व्यक्ति जो मेन व्यक्ति है उस तक भी लगता है जिस तरीके से जांच चल रही है उस तक जो है एसआईटी की टीम पहुंच जाएगी, जो मेन लीडर है, जो लीड कर रहा है इन सारी चीजों को, उन तक पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मुद्दे को जो है लगातार उठा रही थी, बाबूलाल मरांडी भी लगातार ये बात कह रहे थे कि किसी बड़े की जो है इसमें संलिप्तता है, तभी जाकर इस तरह के मामले आ रहे हैं, पेपर लीक कांड हो रहा है। और उन्होंने कहा था, ये बात भी मेंशन किया था कि सिर्फ एक ही पेपर लीक नहीं, सारे पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने भी इस बात को उठाई थी। और बीजेपी लगातार इस पर बना हुआ था, इस बात को बार बार कह रहा था। देखिए अनुष्का, इस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने पोलिटिकलाइज करने की कोशिश की थी और बहुत हद तक उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, इसे पॉलिटिकलाइज करने की जरूरत नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए एसआईटी की टीम को सहयोग करना चाहिए कि यदि बाबूलाल मरांडी के पास कोई सूचना है, यदि बाबूलाल मरांडी के पास कोई ऐसा सोर्स है जो एसआईटी की टीम को पेपर लीक कांड के रैकेट तक ले जाने की कोशिश होती है तो उनको सहयोग करना चाहिए। ये कह देना कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की
जानकारी में तमाम चीजें थी। ये तमाम चीजें बोलने में सुनने में बेशक पॉलिटिकल व्यक्तियों को अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस रैकेट में कई ऐसे लोग शामिल होंगे जो कम से कम झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तमाम प्रक्रियाओं को बखूबी जानता होगा, कैसे चीजें होती है, कैसे पूरी पूरी प्रक्रिया है। पॉलिटिकल मामला चूंकि पॉलिटिकलाइज कर देना किसी चीज को बहुत आसान है, हालांकि एक सच यह भी है कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने इस मामले में पूरी जानकारी पूरी तरह से उग्रता दिखाई थी, जिस प्रकार से आक्रोश था, उसके बाद न्यूज 11 ने इस मुद्दे को दिखाना शुरू किया, इन सबका असर यह हुआ कि राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर एक प्रकार से नैतिक दबाव जरूर पड़ा होगा कि मुख्यमंत्री बनते एक नया मामला आया है, इस मामले में पुलिस सरकार को तत्परता दिखाई जानी चाहिए और चंपई सोरेन को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने मन से कई बार कहा कि मुझे गिरफ्तार व्यक्ति चाहिए, किसने इस मामले को उद्भेदन किसने इस मामले को पूरा का पूरा रैकेट चलाने की कोशिश की, वहां तक SIT पहुंचे, पुलिस पहुंचे, बधाई देना चाहिए देनी चाहिए झारखंड की पुलिस को, रांची की पुलिस को, रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा को और SIT की जो टीम को लीड कर रहे थे DSP पूरा नाम मुझे याद नहीं लेकिन उनका नाम मिस्टर बेसरा है, उनको भी बधाई दी जानी चाहिए। अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। और कल यानी कि सोमवार को झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष देवेंद्र महतो ने सूचना दी है न्यूज 11 को कि कल वो 10:30 बजे राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं पूरे सबूत के साथ, और राज्यपाल को सबूत दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये पेपर लीक हुआ और मांग पत्र भी सौंपेंगे। तो मुझे लगता है कि SIT की टीम को एक बार देवेंद्र महतो को विश्वास में लेकर उनसे भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि उनके पास क्या कुछ सूचनाएं हैं, क्या क्या सबूत है, कहां तक उनका लिंक है जो SIT की टीम को रैकेट तक पहुंचा सकता है। ये दूसरी बात है कि देवेंद्र महतो पर FIR दर्ज है, वो पुलिस से थोड़े बच के चल रहे हैं, लेकिन SIT की टीम को ये कहना चाहिए कि वो जो FIR है वो दूसरा मामला है, आपके पास क्या सबूत है आप मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कि SIT की टीम को काम करने में ज़्यादा सहूलियत होगी और उनकी तत्परता रैकेट तक पहुंचने में मदद करेगी अनुष्का। बिल्कुल आ जाए, अब जिस तरीके से अभी जांच में जो भी बातें सामने आई है, आगे क्या कुछ और भी बातें सामने आने वाली है इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत से खुलासे अभी होने बाकी है, यहीं तक इसका अंत नहीं होता है, इसलिए अभी देखने वाली बात होगी कि जांच में और क्या कुछ बातें आती है सामने और भी किन लोगों की संलिप्तता जो है इस पूरे मामले पर देखने को मिलती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए SIT को बड़ी कामयाबी मिली है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है JSSC पेपर लीक मामले में। आपको बता दें विधानसभा के अवर सचिव सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और आपको बता दें कि अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया है। SIT की छापेमारी में एडमिट कार्ड सहित ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं और मामले की जांच को लेकर 4 सदस्य टीम बनाई गई है। 3 IPS का DSP सहित इंस्पेक्टर इस टीम में शामिल है। लगातार जो है छात्रों में ने भी उग्र प्रदर्शन किया था। तो देखिए जिधर JSSC पेपर लीक कांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उधर दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल बिगड़माया है, और देखिए BJP और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। छात्र हैं जो बेरोजगार हैं वो खुद संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि
एसआईटी आखिर किसने गठित किया है? जिस सरकार ने जेएससी परीक्षा का संचालन किया है, जिस सरकार के कारण ही ये परीक्षा में धांधली हुई है, आज वो सारी बात उजागर हुए तो एसआईटी भी तो उसी गठित की हुई है। तो खुद जो परीक्षार्थी हैं, जो असंतुष्ट हैं, वो खुद इस जांच से संतुष्ट नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जनभावनाओं के अनुरूप काम करती है और जनभावना यही है कि इसकी सीबीआई जांच हो, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है और जो वास्तविकता है, जो दोषी हैं, वो सचमुच में पकड़े जाएंगे और उस पर कार्रवाई होगी। अन्यथा ये तो केवल खानापूर्ति होगी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी, फिर छूट जाएंगे। इतना अविश्वास क्यों अपने प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर, इतना अविश्वास क्यों? और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या हुआ? व्यापम घोटाले का जांच तो सीबीआई ने किया, 50-50 मौतें हुई, क्या कार्रवाई हो गई? आज तक उन 50 मौतों के जिम्मेवार के व्यक्ति लगातार सत्ता और शासन में बने रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय सीबीआई पर क्यों उंगली नहीं उठाई? आज तो कुछ भी कहने के पहले कम से कम अगर कोई बात हुई है, अगर जांच चल रही है, सरकार ने एसआईटी बनाया है, आप देखें कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो अपने प्रदेश के पुलिस और प्रशासन पर भी विश्वास रखना चाहिए। बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हौसला रखें। जो इससे प्रभावित जो प्रश्न पत्र लीक होने से 28 जनवरी को आयोजित जेएसएससी जीसीएल की परीक्षा रद्द कर दी गई, जबकि 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई। 2015 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब तक 8 बार परीक्षा को स्थगित किया गया है। आइए जानते हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर कब क्या हुआ। जेएससी सीजीएल परीक्षा एक बार अधर में लटक गया। जिससे बेरोजगारों की नौकरी पाने की उम्मीद पर पानी फिर गया। आइए जानते हैं जेएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर कब क्या हुआ, अब तक क्या हुआ। 2015 से अब तक 4 बार आवेदन लिए जा चुके हैं, 8वीं बार परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। कई कारणों से विज्ञापन रद्द किया जाता रहा। साल 2023 में 20 जून से 3 अगस्त तक आवेदन भरे गए। साल 2015 में पहली बार आवेदन मांगे गए। 21 अगस्त 2016 को होने वाली परीक्षा रद्द की गई। फरवरी 2017 में फिर से विज्ञापन निकाला गया। मार्च 2017 में परीक्षा होनी थी लेकिन नहीं हुई। फिर 2019 में नवंबर दिसंबर में परीक्षा होनी थी लेकिन सरकार बदल गई। 2021 में अप्रैल मई तक परीक्षा होनी थी लेकिन फिर परीक्षा नहीं हुई। एक बार फिर 21 अगस्त 2022 को परीक्षा होनी थी लेकिन फिर स्थगित कर दिया गया। उसके बाद 2023 के मई महीने में परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई लेकिन फिर परीक्षा नहीं हुआ। अगस्त 2023 में फिर से एग्जाम डेट का ऐलान हुआ लेकिन परीक्षा नहीं हुई। 16-17 दिसंबर 2023 को भी होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई। छात्रों का विरोध बढ़ा तो 21 और 28 जनवरी 2024 को परीक्षा लेने की घोषणा हुई लेकिन फिर छात्रों के विरोध के बाद 21 जनवरी को होने वाली परीक्षा को 4 फरवरी कर दिया गया। 28 जनवरी 2024 को 3 पाली में परीक्षा हुई लेकिन तृतीय पाली की सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र लीक हो गया। जेएससी ने 28 जनवरी को आयोजित सामान्य अध्ययन की परीक्षा को रद्द कर दिया। पेपर लीक मामले को लेकर रांची के नामकुम थाने में कांड संख्या 45/24 दर्ज किया गया। 31 जनवरी को जेएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। 31 जनवरी को नामकुम थाने में 15 छात्रों को नामजद आरोपी बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।